हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका फिजियो डॉक्टर सुनील बघेल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली 2 से 2.5 महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनका नाम है प्रवेश विश्वकर्मा, जो कि इंदौर छतरीपुरा थाने पे पदस्थ हैं। और वो अपनी नी की MRI लेके आए थे, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उन्हें सजेस्ट किया था कि आपको सर्जरी करवाना पड़ेगी। पर जब मैंने उनकी MRI देखी तो उन्हें Grade 2 लीगामेंट इंजुरी थी SEL की। और मैंने उसमें एक चांस लेते हुए उनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट की, और आज 40 दिनों के बाद में आज वो पेशेंट बहुत अच्छे से रिकवर हो चुका है थ्रू फिजियोथेरेपी, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन। और वो पेशेंट आज चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, क्रिकेट खेल पा रहे हैं और नॉर्मल अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटी को कर पा रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का और पेशेंट के रिव्यू का एक ही मोटिव था कि जो लोगों को डॉक्टर्स या ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत सारे सजेस्ट कर देते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं कि हर केस में आप सर्जरी को ऑप्शन में रखें। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि बॉडी की जो इम्यून पावर है और जो एक्सरसाइज है और फिजियोथेरेपी का जो रोल रहता है, कई केसेस में इतना इफ़ेक्टिव साबित होता है कि पेशेंट विदाउट एनी सर्जरी और मेडिसिन के रिकवर हो जाता है और हो सकता है। तो कभी भी मेरी एक एडवाइस होगी कि ध्यान रखें, कभी भी आपको अगर किसी भी डॉक्टर ने ऑर्थो न्यूरो में या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड केसेस में मसल इंजुरी, बोन इंजुरी, कई बार बोलते हैं कि कमर में नस दब रही है, कुछ चीज़ों में डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं, तो सर्जरी को करवाने के पहले एक बार ज़रूर किसी प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट से मिले और उनकी सलाह लें। अगर चांस है तो आप सर्जरी को लास्ट ऑप्शन में रखें, पहले आप फिजियोथेरेपी में ज़रूर ट्राई करें और किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास फिजियोथेरेपी करवाएं। हो सकता है कि ऑपरेशन करवाए बिना आप रिकवर हो जाएं, और कई बार अगर ऑपरेशन फिजियोथेरेपी से रिलीफ नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास सर्जरी है, तो हमेशा लास्ट में सर्जरी ऑप्शन रखें। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो में पेशेंट का रिव्यू भी देख सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक 100% रिकवर हो चुके हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रवेश विश्वकर्मा है, मैं इंदौर में रहता हूँ और थाना छतरीपुरा में पदस्थ हूँ। मुझे तकरीबन 1 से 2 महीने पहले क्रिकेट खेलते ग्राउंड में चोट लग गई थी, जो कि नी में मुझे दर्द हुआ था और मुझे घुटने में चोट आई थी। बाद में फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ऑर्थोपेडिक को दिखाएं, फिर मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, फिर उन्होंने मुझे MRI के लिए बोला, फिर मैंने MRI करी। उसमें बाद में मुझे पता चला कि मुझे Grade 2 SEL इंजुरी हुई है। उसके बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी करता रहा और भी अपने डेली रूटीन के काम करता रहा। उसके बाद फिर जब मैं ज्यादा मूवमेंट करने लगा, उसके बाद फिर मुझे घुटने में दर्द हुआ। उसके बाद फिर मैं और 2-3 डॉक्टर हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने भी ये मुझे बताया कि आपको सर्जरी कराना पड़ेगी। फिर मेरे ही थाने पे मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक डॉक्टर सुनील बघेल हैं जो कि बहुत ही अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर हैं, तो आप एक बार उनको दिखाएं। फिर मैं डॉक्टर सुनील बघेल सर के पास आया, जो कि बहुत ही अच्छे प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने मतलब मुझे कुछ लोगों ने उनके बारे में बताया। फिर मैं उनके पास आया, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरी MRI देखी, उसके बाद उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी की, जिससे मुझे बहुत आराम हुआ है। समय लगा मुझे पर बहुत आराम हुआ। अब मैं पूरी तरह से बैठ पाता हूँ, चल पाता हूँ, साइकिलिंग कर पाता हूँ, अपनी ड्यूटी कर पाता हूँ, थोड़ी सी रनिंग कर पाता हूँ, मतलब अब पूरी तरह से मैं अपने पैर को अच्छी तरह से अब संतुष्ट हो पाया हूँ उनसे। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से यही सलाह होगी कि जब भी आपको इस प्रकार की कोई भी तकलीफ हो तो कृपया करके आप एक बार अच्छे प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, उनकी राय लें, उनका मशवरा लें कि वो क्या बोलते हैं, वो क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसमें आप सही हो सकते हो या नहीं हो सकते, या फिर आपको ऑपरेशन या सर्जरी करानी पड़ सकती है। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप एक बार जब भी ऑपरेशन कराने का सोच रहे हैं, उससे पहले एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिले।